वो समय कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया, नहीं समझ पाया, तो वो उस लिंक पर जाके क्लिक करके दोबारा से अपनी उस क्लास को पढ़ सकता है, समझ सकता है कि क्या चीज़ें थी। हो सकता है कि नेटवर्क की वजह से कभी कभी आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और आप उस क्लास को प्रॉपरली अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो यस्टरडे क्लास हो चुकी होती है, जो पिछली क्लास हो चुकी होती हैं, तो उनके लिंक भी हम आपको शेयर करेंगे। यूट्यूब पर आप जो है उनको देख सकते हैं, उससे दोबारा से स्टडी कर सकते हैं अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो। राइट, तो लास्ट टर्म पे जो बात हुई थी, सारी वीडियो डाल दी जाएंगी, सारी वीडियो रोज पड़ जाती हैं यूट्यूब पे, वो चैनल का लिंक आपको दे दिया जाएगा कल से, या फिर हो सकता है आज से ही टेक्स्ट बॉक्स में उसका लिंक जो है वो डाल देंगे। अदरवाइज कल से आपको जितने भी क्लासेस हो चुकी हैं उनके हम लिंक आपको शेयर करेंगे, कोशिश करेंगे ये डिस्कस करने के बाद। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे जो बात हम लोग कर रहे थे, कुछ सिलेबस की बात हो चुकी थी, प्रैक्टिकल का सिलेबस क्या होता है वो बात हो चुकी थी, थोड़ा सा मैंने आपको प्रोटोजोन्स के बारे में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए थे। आज थोड़ा सा हम उससे एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। हम लोग, मैंने कुछ डायग्राम्स भी आपको बनाने को दिए थे प्रैक्टिकल में कि देखिए, आपको मेरा ये स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, तो लास्ट टर्म पे हमने बात करी थी, ये फर्स्ट डे हमने कुछ आपको सिलेबस के बारे में बताया था। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ मैं दोबारा से, कुछ नए स्टूडेंट हो सकता है आज आए हूँ। पेपर्स के बारे में बताया था, पेपर का टाइटल क्या है, कितने मार्क्स के हैं, देन जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में डिस्कस किया था कि उसका क्या सिलेबस है। ओके, देन हमने डिस्कस किया था पेपर टू के बारे में कि क्या सिलेबस है उसमें, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ पढ़नी होगी हमें, और फिर मैंने नेक्स्ट डे आपको बुजवा का कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था, कुछ पॉइंट्स बताए थे कि हम जो पहला फाइलम स्टडी करेंगे प्रोटोजोआ, तो उसमें हम किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे, क्या क्या उनके पॉइंट्स हैं, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जनरल करेक्टरिस्टिक्स चार पांच मैंने आपको डिस्कस किए थे। फिर मैंने आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताया था कि प्रैक्टिकल का कैसा जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है, तो टोटल 50 नंबर में किस तरीके से हम लोग मार्क्स को कैटेगराइज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है बताया था मैंने आपको, कि डिसेक्शन क्या करना होगा, आपको सेलेक्ट कैसे बनानी होगी। ठीक है, स्पॉटिंग जो है बताई थी मैंने कि स्पॉटिंग करनी होगी, और बताया था कि स्पॉटिंग का बेहद इंपॉर्टेंट रोल होता है, फाइल आपको बनाने के लिए दी गई थी, कुछ डेमो के रूप में मैंने आपको 3 स्पेसिमेन भी बताए थे कि कैसे बनाए जाएंगे, क्या आपको बनाना है। ओके, तो अब आज हम थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव करते हैं। आज मैंने बताया था आप लोगों को जिस दिन मैंने क्लास स्टार्ट करी थी कि प्रोटोजोआ का हमने बताया था कि प्रोटोजोआ में हम पहले जनरल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फिर हर फाइलम का क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये पेपर वन और पेपर टू दोनों बता रहा हूँ मैं, जितने भी फाइलम हम लोग स्टडी करेंगे इस साल, हर फाइलम का जनरल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, देन उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ को पता होगा उस तक उसको ना पता हो, मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि जितने भी फाइलम आपको इस साल स्टडी करने हैं उन सारे फाइलम्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो भी क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, चाहे प्रोटोजोआ को पढ़ेंगे, पॉलीफेरा को पढ़ेंगे, सिलेंडेटा पढ़ेंगे, लाइक दैट, हम कोई भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पर बेस्ड होता है। यानी कि जो फाइलम होगा जो उसका क्लासिफाई उसको करा जाएगा, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी हैं उनमें से कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ऐसा होता है उस कैरेक्टर के ऊपर ही, यानी कि उस कैरेक्टर पर बेस्ड होगा उसका क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, हम बात सपोज आज प्रोटोजोआ की कर रहे हैं, मैंने तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताए थे उसमें, डिस्कस कर रहे थे कि प्रोटोजोआंस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं, तो उसमें एक पॉइंट लोकोमोशन होता है। लोकोमोशन का मतलब है गति, मूवमेंट,
यानी कि एनिमल जो है वो मूव करता है, ठीक है, जब मूवमेंट करेगा चलेगा, चलने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल हम जब मूवमेंट करते हैं तो हमारे पास चलने के लिए फीट हैं, पैर हैं जिनकी सहायता से हम चलते हैं। ऐसे हर एनिमल चलने के लिए उसके पास अपने अपने लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, और उन ऑर्गन्स के बिहाफ पर, उन ऑर्गन्स की सहायता से वो एनिमल मूव करता है। तो ये जो फाइलम है प्रोटोजोआ, इस प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन किया गया, ये जो क्लासिफिकेशन बेस्ड है, ये बेस्ड है इसके लोकोमोटरी कैरेक्टरिस्टिक्स पर, यानी कि लोकोमोशन ऐसा करेक्टर है इस फाइलम का जिस पर बेस्ड हुआ क्या, इस फाइलम का क्लासिफिकेशन। मतलब सीधा सीधा यहाँ पर ये निकल के आता है कि हम ये कहेंगे कि प्रोटोजोअन्स जो हैं, जिन ऑर्गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं चलने के लिए, लोकोमोशन के लिए, उसी पर आधारित है, उसी पर बेस्ड है क्या इसका क्लासिफिकेशन। राइट, समझ में आ गया होगा सबको। तो अब कैसे है, जैसा कि आपने 12th में पढ़ा भी होगा, आपने इवलीना भी पढ़ा होगा, सुना होगा इवलीना के बारे में, बनाया होगा, पैरामीशियम सुना होगा, पढ़ा होगा, बनाया होगा, ठीक है, बहुत सारे पैरासाइट, जैसे कि मैंने उस दिन पूछे भी थे और आप में से बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स भी दिए थे कि जैसे एंटामीबा है, ठीक है, ट्राइपैनोसोमा है, ठीक, ये जो पैरासाइट हैं तो इनके इनके नाम आपने सुने होंगे, उनको बनाया होगा, इनको स्टडी किया होगा। तो इसी पर फोकस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन जो हमें दिख रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस समय, कि इसको हमने चार क्लासेस में बांटा है। इसी जब आपने अभी फाइल बनाई होगी, प्रैक्टिकल की फाइल बनाई होगी, अभी ऋतु मैडम ने भी आपको एक डेमो दिखाया था, फाइल जो आपको दिखाई गई थी, उसमें जब आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जोलॉजी के टेस्ट में बात करते हैं, तो जब आप क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो आप फाइलम लिखेंगे, देन क्लास लिखेंगे, देन ऑर्डर लिखेंगे, देन जीनस लिखेंगे, जनरा है उसका, ठीक। तो फाइलम को जो हमने क्लासिफाई किया है यहाँ पर देखो आपको चार क्लासेस दे दी होंगी, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री एंड क्लास फोर। क्लास वन का नाम आपको दिख रहा होगा मास्टिकोफोरा, क्लास टू का नाम दिख रहा होगा आपको पॉपिलाइनेटा, क्लास थ्री नाम दिख रहा होगा आपको सार्कोलिना, और क्लास नंबर फोर आपको दिख रही होगी स्पोरोजोआ। तो जो ये प्रोटोजोआ है, ये पूरा जो फाइलम है, इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं वो फोर क्लासेस में कैटेगराइज उनको करा गया, मास्टिकोफोरा में, ऑप्लाइनेटा में, सार्कोलिना में और स्पोरोजोआ में। अब कैसे इनका कैटेगराइजेशन हुआ, कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, चार जो क्लासेस बनी वो आखिर चार क्यों बनी, तो मैंने बताया भी था तुम लोगों को कि लोकोमोटरी ऑर्गन ही करेक्टर है इसके बेस पर इस फाइलम को हमने क्लासिफाई किया। अब क्लास नंबर वन, इसका नाम है मास्टिकोफोरा। मास्टिकोफोरा का मतलब यहां पर यह है कि ये वो क्लास है, इसमें ऐसे एनिमल आएंगे जिनमें लोकोमोशन होगा विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। आपने देखा होगा, अगर यूलीना अगर आपने सबने देखा होगा तो एक लॉन्ग फ्लैजेलम, बहुत बड़ा सा एक फ्लैजेला, फ्लैजेलम जो है वो आपने देखा होगा यूलीना के केस में, आपने 12th में, 11th में, 10th में जरूर देखा होगा यूलीना। तो मास्टिकोफोरा का मतलब यहाँ पे ये वो क्लास है, इस क्लास में ऐसे एनिमल्स को रखा गया है कि जो लोकोमोशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, ठीक है, यानी कि अगर एनिमल लोकोमोट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला तो वो बिलोंग करेगा क्लास मास्टिकोफोरा, ठीक। अब इस मास्टिकोफोरा को भी मैंने क्या कराया, देखिए दो दो में सब कैटेगराइज कराया, एक लिखा हुआ है जू मास्टिकोफोरा और दूसरे में लिखा हुआ है फाइटो मास्टिकोफोरा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम मैथमेटिकल आस्पेक्ट्स की तरफ जाएंगे, आपने छोटे क्लासेस में 9th 10th तक मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो वहां पर आपने देखा होगा कि हम जैसे कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, कोई समीकरण को अगर हम हल करते थे तो वहां पर हम कॉमन ले लिया करते थे कि ठीक है हमें दिख रहा है कि इन दोनों में से कोई चीज कॉमन है तो हमने उसमें से क्या कर लिया, कॉमन
कॉमन निकाल दिया। तो जो सब कैटेगरीज आपको दिख रही है स्क्रीन पे, जू मास्टिगो फोरा लिखा हुआ दिख रहा होगा और एक तरफ लिखा हुआ दिख रहा होगा फाइटो मास्टिगो फोरा। अब ये दोनों वर्ड है, इन दोनों में जो कॉमन है वो है मास्टिगो फोरा। मास्टिगो फोरा दोनों में क्या है? कॉमन है। जब कॉमन है, और मैंने अभी बताया भी था आपको कि मास्टिगो फोरा का मतलब लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेलम, यानी कि जो दो सब कैटेगरी हुई इसकी, इनमें जो लोकोमोशन हो रहा है वो कॉमन है। कॉमन क्या है? मास्टिगो फोरा। मतलब दोनों में जो लोकोमोशन होगा वो किससे होगा? फ्लैजेलम से होगा। ठीक है, अब बात कहां पे आती है कि एक पर लगा हुआ है जू और एक पर लगा हुआ है फाइटो, और ये बात मैंने डे वन में भी बताई थी। मैंने कहा अब आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा इस साल, पूरे साल बाद, या इस साल बाद क्या, जब तक आपको जोलॉजी और बॉटनी पढ़नी है तब आपको ये बात विशेष ध्यान रखनी होगी कि दो टर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तरफ लिखा हुआ है जू और एक तरफ लिखा हुआ है फाइटो। तो अगर हम जू के रेफरेंस पे बात करेंगे, इट मीन्स वो बात कही जा रही है एनिमल के रेफरेंस में, यानी कि बात होगी वो एनिमल की, और जहाँ पे फाइटो वर्ड लगा होगा तो हम बात करेंगे, हम उस समय रेफरेंस दे रहे होंगे जिससे किसका, प्लांट का। ठीक, तो जू मास्टिगो फोरा का मतलब है कि यहाँ पे एनिमल में क्या होगा? फ्लैजेला, एक फ्लैजेला होगा और वो उससे लोकोमोशन कर रहा होगा। ठीक है, तो उसकी वो सिर्फ कैटेगरी हो जाएगी जू मास्टिगो फोरा। अब दूसरा जो सब कैटेगरी है वो फाइटो मास्टिगो फोरा, यानी कि लोकोमोशन तो हो रहा है फ्लैजेला से, लेकिन यहां पर वो एनिमल नहीं है, प्लांट है। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट है तो हम इसे प्रोटोजोआ में क्यों पढ़ रहे हैं, और ये तो इसे हम जोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसे हमें बॉटनी में पढ़ना चाहिए था। तो बेसिकली ये प्लांट नहीं है यहाँ पर, प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है एनिमल के अंदर, और प्लांट का सबसे एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, जो किसी भी एनिमल में नहीं होता है, वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब उनके अंदर वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपने फूड का सिंथेसिस करते हैं, ओन फूड सिंथेसिस। तो यहाँ पर फाइटो जो टर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम यानी कि उस कैरेक्टरिस्टिक्स को ले रहे हैं, उस कैरेक्टर को ले रहे हैं एनिम प्लांट के जो एनिमल में हो, यानी कि ऐसा एनिमल जो प्लांट की तरह क्या कर सकता है, ओन फूड सिंथेसिस। हालांकि एनिमल अपने फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं इसलिए वो हेटरोट्रॉफिक कहलाते हैं, लेकिन प्रोटोजोन क्या है, कह रहा है कि एक ऐसा प्रोटोजोन है जो क्या कर रहा है, जो प्लांट की तरह क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कर लेता है और खुद फूड अपना फूड बना लेता है। तो इस वजह से उसे हमने माना कि इसमें प्लांट का कैरेक्टर है, तो हमने उसे कैटेगराइज कर दिया क्योंकि फ्लैजेलम है, मूव कर रहा है। अब देखिए दोनों वेक्टर आ गए हैं यहाँ पे, मूवमेंट जो है वो एनिमल का वेक्टर होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन। प्लांट कभी भी माइग्रेट नहीं करते हैं, प्लांट कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या है, हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं और थोड़ी देर बाद हम मूव करके दूसरी जगह चले जाएंगे, यानी कि हमारा प्लेस क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा। ये कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है, ये एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ इसमें एक जो कैरेक्टर है वो क्या है, वो ओन फूड सिंथेसिस कर रहा है, राइट। तो इस वजह से इस एनिमल को हमने जो कैटेगरी बांटी गई थी वो नाम दे दिया फाइटोमास्टिगो। ठीक है भाई, तो ये बात तो हुई क्लास वन की, यानी कि फ्लैजेला होना चाहिए, उससे मूवमेंट होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं क्लास नंबर टू पे, ऑफलाइन डेटा, यानी कि यहाँ पर भी कोई ना कोई लोकोमोटरी ऑर्गन होगा। अब यहाँ पर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, यानी कि लोकोमोशन जिससे करेगा एनिमल, इस क्लास के जो एनिमल है, आपने एक एनिमल का नाम सुना होगा पैरामीशियम, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपने, वो एग्जाम्पल जो आपने सुना हुआ है, अपनी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, तो जो आपने पढ़ा है या देखा है, बनाया होगा आपने पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में क्या है, जो लोकोमोशन हो रहा है वो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सीलिया। तो अगर सीलियरी मूवमेंट है, लोकोमोशन सीलिया से हो रहा है, तब तो
वो क्लास हो जाएगी ऑफलाइन डेटा। पहली क्लास थी मासिको पूरा, उसमें हो रहा था किससे लोकोमोशन, फ्लैजेलम से। क्लास नंबर टू जो है उसमें मूवमेंट हो रहा किससे, सीलिया से। ठीक है, एग्जांपल क्या दे दिया मैंने आपको, पैरामीशियम। तो जब पैरामीशियम का मैंने एग्जांपल दिया, यानी कि यहां पर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या है, वो है आपका सीलिया। ओके, फिर हम बढ़ते हैं क्लास नंबर थ्री पर। अब यहाँ पर ये जो नाम है, यहाँ पे सारकोडिना, यानी कि यहाँ पर भी कोई दूसरा ऑर्गन होगा जिसकी सहायता से एनिमल क्या करेगा, मूव करेगा, जैसे फ्लैजेलम हो गया, सीलिया हो गया, राइट। अब जो सारकोडिना है, इस क्लास में जो एनिमल आ रहे हैं उन एनिमल्स में जो लोकोमोशन हो रहा है वो भी पढ़ा होगा आपने, कोई नई चीज यहाँ पे। ये जो फाइलम है, ये पहला फाइलम है एनिमल किंगडम का, और वो एनिमल बता रहा हूँ जो आपने सब पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपने ना पढ़ी हो। तो थोड़ा सा इलोबोरेशन है यहाँ पे, उन चीजों को थोड़ा सा पढ़ा दिया गया है जो चीजें आपको पढ़नी है और समझनी है। तो सार्कोडिना में आपने एक एनिमल पढ़ा होगा अमीबा। अमीबा में लोकोमोशन होता है, पता होगा आपको, स्यूडोपोडिया से। स्यूडोपोडिया को हम फॉल्स फुट भी कहते हैं। फॉल्स फुट का मतलब कि हमें जब जरूरत है तब हमने क्या करा, हमने अपने पैरों को बना लिया, अपने फुट का फॉर्मेशन कर लिया, और जब हमें लोकोमोशन करने की जरूरत नहीं है तब क्या करा, हमने उनका उनको हटा दिया। यानी कि जरूरत के हिसाब से फुट का बनना और बिगड़ना, बन जाना और खत्म हो जाना, ऐसे फुट कहते हैं फॉल्स फुट, या इनको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया की सहायता से अगर लोकोमोशन करेगा एनिमल, तब वो क्लास जाएगी सार्कोडिना। ठीक है, तो तीन क्लास हो गई। पहली क्लास जिसमें फ्लैजेलम से हुआ मास्टिकोफोरा, सीलिया से हुआ ऑप्लाइनेटा, और स्यूडोपोडिया से हुआ तो क्या हो गया, वो सार्कोडिना। ठीक है, अब क्लास नंबर फोर ऐसी है कि जिसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन इन एनिमल्स में नहीं होगा, यानी कि क्लास नंबर फोर के जो एनिमल्स होंगे उनमें लोकोमोशन के लिए कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, और अगर एनिमल लोकोमोशन नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। कैसे मर जाएगा, बेसिकली लोकोमोशन का जो मेन पर्पज है वो होता है सर्चिंग ऑफ फूड। जो फूड की तलाश है, खाने की जो तलाश है, वो हम जब तक मूव नहीं करेंगे, हम जाएंगे नहीं, तो तब तक हमें क्या होगा, हमें फूड मिलेगा नहीं, और फूड मिलेगा नहीं तो हम फूड लेंगे नहीं, और फूड नहीं लेंगे तो सारे लिखे हो जाएगी, हमारी डेथ हो जाएगी। अगर हम अपने केस में बात करें तो मनुष्य क्या करता है भाई, जो नौकरी कर रहा है वो अपने सर्विस पे जाता है, अपने वर्किंग प्लेस पे जाता है, वहां वर्क करता है, वर्क करने के बाद वो अर्न करता है, और जो अर्न करता है उससे वो परचेज करता है, और परचेज करने के बाद वो क्या कर रहा है, खा रहा है। ठीक है, जो सर्विस में नहीं है, जो नौकरी में नहीं है, जो फार्मर है वो फील्ड में जाता है, कल्टीवेशन करता है, ठीक है, प्लांट्स को उगाता है, प्लांट्स को उगाने के बाद अनाज बनता है और उस अनाज को वो खाता है। बेसिकली क्या हो रहा है, हमें मूव करना होता है, हमें डिस्प्लेसमेंट करना है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं करेंगे तो हम फूड को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो क्लास है, क्लास नंबर फोर, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे लोकोमोशन है ही नहीं, तो जब लोकोमोशन है नहीं, इट मीन्स इस क्लास के एनिमल्स को मर जाना चाहिए था, लेकिन सब जिंदा है। जिंदा कैसे हैं कि अगर लोकोमोशन नहीं हो रहा है, सपोज दैट मेरी मेरे मेरे मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरे पैर क्या हो गए, कट गए, यानी कि मैं लोकोमोट नहीं कर सकता हूँ। जब मैं लोकोमोशन नहीं कर पाऊंगा, इट मीन्स मैं टोटली डिपेंड हो जाऊंगा किसी ना किसी अपने दूसरे फैमिली मेंबर पर, इसके लिए फॉर द फूड, न्यूट्रिशन के लिए मैं क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया फॉर द अदर पर्सन या फॉर दूसरे मेंबर्स पर, ऑन द अदर मेंबर्स पर मैं क्या हो गया, डिपेंड हो गया। तो यहाँ पर भी उसी सेम वही सिचुएशन है कि ये जो क्लास है, इस क्लास के जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरे एनिमल पर डिपेंड है।
किसके लिए? फूड के लिए। तो एक सिंपल सी बात है कि जब फूड के लिए किसी दूसरे एनिमल पर जब डिपेंड होता है, तो बताया गया शायद आपने पढ़ा भी होगा, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं पैरासाइट। ओके, तो ये जो क्लास है इसको जो है, इसके जो एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं? पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं, मीन्स किसी ना किसी दूसरे एनिमल पर रह रहे होंगे फॉर द फूड एंड फॉर शेल्टर, रहने के लिए और खाने के लिए क्या है ये दूसरे पर आश्रित हैं। तो चारों क्लास हो गई, मास्टिकोफोरा में फ्लैजेलम हुआ, ऑप्लाइनेटा में सीडिया हो गए, सार्कोडिना में क्या हो गया आपके पास? स्यूडोपोडिया हो गए, और स्पोरोजोआ में क्या हो गया? लोकोमोशन एब्सेंट हो गया। क्यों एब्सेंट हो गया? क्योंकि इनमें क्या है, ये सब पैरासाइट हैं, इस वजह से क्या हुआ? पैरासिटिक फॉर्म की वजह से क्या हो गया? ये सब के सब किस पर डिपेंड है? किसी ना किसी दूसरे एनिमल पर डिपेंड है। और लास्ट टाइम पे हमने बात भी करी थी, कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे भी थे, तो एक दो बच्चों ने जवाब भी दिया था। मैंने पूछा भी था कि पायरिया के बारे में पूछा था, ठीक है, और ब्लड पैरासाइट के बारे में पूछा था। तो पैरासाइट का जो नेचर है वो क्या है? वो रहेगा भी और नुकसान भी करेगा। वो आपके बॉडी में है, फूड ले रहा है आपसे और आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ। जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो आपका आएगा वो किसी ना किसी फाइलम का क्लासिफिकेशन जरूर होगा, ठीक है भाई? तो ये बताया मैंने आपको आज क्लासिफिकेशन के बारे में। अब अगर किसी को कोई डाउट है, कहीं उसको लग रहा है कि कोई चीज ऐसी है जो नहीं समझ पाया मैं, कुछ पूछना है, तो अपने चेक बॉक्स में क्या करो, क्वेश्चन डालो, मैं आपका उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। किसी की कोई क्वेरी? प्रैक्टिकल के बारे में किसी कुछ पूछना है? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सर, कैन यू हियर मी? सब लोग दोबारा से अपनी अटेंडेंस करेंगे। हेलो सर, कैन यू हियर मी? हेलो, जिसको रोल नंबर अलॉट है वो रोल नंबर जरूर डालेगा अपना। बोधिका का क्वेश्चन था कि बोधिका ने पूछा है, ओके यस, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटिस्टा। एक्चुअली रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।
किसी को प्रैक्टिकल से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।